कैसे हैं भाई? हम भी तो सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है और ठंड बहुत ही ज्यादा हो रही है और और मेरी थोड़ी थोड़ी सी खांसी ठीक हो रही है लेकिन पी हो ही रही है। और ये बनाने लग रही भाई मैं चाय और ये शक्कर, शक्कर की चाय बनाऊंगी और मामा लेर की एक घड़ी शक्कर चाय खातर चाय भी बना ला है और घी में बे बे का खावा है। आप सब ना पता है हमारे घर में सारे इतना मीठा खावा है, बहुत ही ज्यादा मीठा खावा है, कभी बूरा कभी शक्कर कभी गुड़ और मन गई है चाय। और आज बनाऊंगी भाई मैं शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च मैंने धो कर रख दिया, पानी में चुड़ जाएगा इनका, तो वर्क बनाऊंगी मैं शिमला मिर्च। और ये भी इसमें घेर ली भाई दूध और शक्कर, जिस तरह इस शक्कर ने नुए घेरेंगे नहीं पटती नहीं है चाह। तो भाई ये मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और शिमला मिर्च जिस तरह मैं बना करूँ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप सब तक। और मैंने उरा ले लिया है घी, तो ये देसी घी है, कोई सब घी ले सको हो। और भाई इसमें मैं भूनूंगी बेसन, तो 4 चम्मच मैंने बेसन के ले लिए हैं और इन्हें भाई हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं मान ले भून लेंगे, ठीक सरकाई भून लेंगे। और भाई और भाई मेरा गला ख़राब हो रहा है क्योंकि खांसी अभी तक सही तरह ठीक नहीं हो रही है। और भाई इसने भून लूँगी मैं और कम आँच रखेंगे और ज़्यादा आँच नहीं करेंगे तो बेसन जल्दी से जड़ जाएगा नहीं तो। और इसने हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो भाई देखो कलर चेंज हो गया इसका, ये मैंने भून लिया है और ये भी इसने भाई कर लेंगे ठंडा, इसमें निकाल लेंगे प्लेट में। और फिर इसी कढ़ाई में मैंने भाई तेल डाल दिए 2 चम्मच, इसमें मैंने डाले हैं जीरा, जीरे ने भी भून लेंगे। और इसके बाद फिर मैं इसमें डाले हैं अदरक लहसुन और प्याज, तो ये सारे मैंने चॉपर में को चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। और जो प्याज है ना इसको भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ठीक सरकाए भूनेंगे, तो इसने भून लेंगे। और भाई ये देखो थोड़ा सा लगन लग गया है कढ़ाई में और ये भी इसमें मैं डालूँगी मसाले, तो इतना ही भूनना है। और भाई मसाले में हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर जीरा पाउडर और गरम मसाला ये सारी चीज़ डाल कर ना इसने भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मसाला जो है वो शिमला मिर्च में भरने का तैयार करना हमने, तो वो तैयार करने लग रही हूँ मैं। और इसके बाद जो बेसन भुनिया था ना वो इसमें डाल दूँगी मैं और सारा मसाला दोबारा फिर मिक्स कर देंगे। तो भाई ये मसाला जो है ना ये तैयार हो गया है और मैं तो इस तरह ही बना करूँ शिमला मिर्च। और जिस तरह नहीं आधे आलू भी भरे हैं, आलू बैठ कर शिमला मिर्च में भरे हैं, कई तरह तो बन जाए शिमला मिर्च भी। और फिर जिस तरह आप इस तरह बनाओगे नहीं आपका जो शिमला मिर्च है नहीं एन बढ़िया बनेगी और मसाला भी एन इतना स्वादिष्ट बन जाए है। और भाई अब ये शिमला मिर्च भर लूँगी मैं और मैंने सारे ये दो कच्ची दाल इसमें ये अंदर ये होल कर लिया है और सारी स्त्रियाँ भर लेंगे। और ये ऊपर ना इसका ये भी लगा सको आप जी पकाओगे, तो सारी स्त्रियाँ भर लेंगे भाई। और ये देखो मैंने सारी शिमला मिर्च भर ली है और ये एक रह रही थी और मसाला भी बच गया था थोड़ा सा, तो भाई 6 मिर्च बढ़िया तरह फुल भरी गई थी इस मसाले में, तो ये पका लेंगे इसना। और भाई तेल जो है ज़्यादा तेल यूज नहीं करते हैं, कम तेल में ही और अपनी जितनी शिमला मिर्च है सारी बनावेंगे। और चिकनी सी होगी थी भाई छूट गई थी आत्मा तय। और भाई इसी तरह तो नहीं सारी ये शिमला मिर्च नहीं कम आँच में उलट पुलट का ना पका लेंगे, ज़्यादा आँच नहीं करनी है ना तो जल जाएंगे। तो बन गई है मेरी शिमला मिर्च, ये देखो ऐसी शिमला मिर्च बनी है और ये सारी नहीं पक गई हैं, पक चुकी हैं ये। और देख लो सारी बड़ा सा मसाला निकल रहा है इसी में का, देखो यो भी आ रही है काम पता। हेलो प्रोफेसर, हेलो कैसे हो? ये डंडा कना हो रहा है, डंडा ला मंदिर का तो शिमला मिर्च बनाया थी ना।
तो नहीं खाती मां तो मड़ी भी खाती रोटी के देख बाहर आ रहे देखो देख मत लाइन बढ़िया लगा ये मत सब तोड़ नहीं बिज ना फिर मेरा नु याद है क्या रोटी दे देख पान रोटी है ले जा कर दे कुछ ना ओए कपड़े पड़े ऊपर है ना प्राची प्राची भी नहीं रहा ऊपर दूर तूने एसी लगे होंगे तो ठंड में नहीं हो कभी सुबह आयो कौन आता है तो भाई सिर्फ रोटी शिमला मिर्च बन गई है और एक दूध निकालने जावांगे और आके मैं बनाऊंगी रोटी अरे मसाला भी पूरा बढ़िया लग रहा है तो भाई सभी ने खाना खा लिया है और ये देखो छह बनाई थी शिमला मिर्च छह लिया था तो किसका डैडी बनाने खातर और तीन रखी हुई हैं तो बच्चे पता क्या अंदर अंदर का मसाला खा जा है और जो बाहर का ये हुआ है ना इसका पल्प है यो नहीं खाते जो गुद्दा हुआ है यो बिल्कुल भी नहीं खाते और मसाला अंदर का खा जा कैड का और तीन ही लगी है तीन ने सारे जने ना तीन ने तीनों में रोटी खा लिया और वही दूध गर्म हो गया है और कुछ बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं और कुछ बाकी हैं थोड़े बहुत वे अब करूँगी और ठंड भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कुछ कर रहा हूँ ठंड था और दो दिन तो ना पता क्या हुआ मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी दो दिन हो गए तो और आज जाकर थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ सही हो गई है मेरी और एक रात तो मैं सोई भी को नहीं जिस तरह मान ले सो थी नहीं गले में खाद सी होवा थी और गेला खांसी आवा थी तो उस दिन तो मैं सोई भी को नहीं और अगले दिन जमी सा टूटा टूटा सा शरीर हो जाए नींद पूरी नहीं होवा तो और ठीक है भाई आज का व्लॉग यही लगता है आपने अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई और वीडियो ने लाइक कर दियो और बढ़िया बढ़िया कमेंट कराया करो भाई एन जी लगा है कमेंट पढ़ने में ठीक है तो मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए भाई गुड नाइट भाई ठंड तो बच करो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है।